चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इसका कोई मतलब नहीं है। वो एक मानव है, एक सिटीजन है देश का, उन सब के लिए कानून है। हाँ, उसने गलत काम किया है, उसके खिलाफ पूछताछ भी होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, मगर ट्रायल जमानत के मामले में ट्रायल में नहीं होती, कोर्ट जज को ट्रायल करने नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी देखना चाहिए था इसमें, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें फेल हुई है प्राइमा फेसी देखने में। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के खुद कमेंट थे, ओपन कोर्ट के अंदर कमेंट थे, भाई कुछ नहीं मिल रहा, पैसा साबित नहीं कर पा रहे, इससे कोई रिकवरी नहीं हो रही, इतने दिन के बाद भी रिकवरी नहीं होना एक पैसे का भी। अरे फ्रॉड हुआ कितना बड़ा, फ्रॉड तो कहाँ कहाँ हुए हैं, कोई भी आदमी कहेगा फलान मंत्रालय में फ्रॉड हुआ, फलाने व्यापारी ने फ्रॉड किया है, फलाने फ्रॉड का पैसा खर्च किया है, फलाने इलेक्शन में झूठा एफिडेविट दिया है, उसने अपनी रैलियों में साड़ियाँ बांटी, उसने क्या, कितना, कितने लोगों को पकड़ोगे और कितने लोगों को लगातार जेलों में डालोगे, पूरा देश ही जेल में जाएगा फिर तो। तो इस तरह से टारगेटेड किसी को वो करना, और सुप्रीम कोर्ट का भी कई तारीखें लगाना, और फिर ऑर्डर को रिजर्व करना, और रिजर्व करके भी सुनाना, पूरी छुट्टियाँ चली गई, मगर जमानत ना देना, और जमानत का जिस तरह से विरोध होना, और फिर कमेंट भी पॉजिटिवली करना, और ओपन कोर्ट में भी जज की ऑब्जर्वेशन कुछ और लास्ट में इसको होल्ड करना, रिजर्व रखना जजमेंट को या फैसले को, और फिर छुट्टियों के बाद सुनाना, ये सारा का सारा पूरी वकील बिरादरी को हजम नहीं हो रहा, देश की सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ये बात हजम नहीं हो रही है। इनको अब ये चर्चा थी आज बार के अंदर कि पूरा या तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट इंडिया की बजाय ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाई दी, ये लोगों का कहना है, मेजोरिटी एडवोकेट्स का कहना है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कर रहे हो ऐसा ही, और इसलिए क्यों कह रहे हैं वकील लोग, क्यों कह रहे हैं, कुछ ना कुछ आभास होता है, कुछ ना कुछ रियलिटी नज़र आती है, कुछ ना कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसी होगी। बहुत चर्चा थी बार में कि देखिए इसमें चाहे कुछ भी कोर्ट बोलती हो, इसमें जमानत नहीं होगी, इसको लटकाया जाएगा, विधानसभा के इलेक्शनों तक तो भी लटकाया जाएगा, और हो सकता आगामी लोकसभा के इलेक्शन तक भी ये लटकाया जाए, और इसलिए इस आदमी की जमानत नहीं होगी। आज कम से कम वो ऑर्डर आ गया, ये बिल्कुल जो बात चर्चा थी बार के अंदर वकीलों के अंदर वही हुआ, सेम, इसमें कोई फर्क ही नहीं। बताइए तो क्या कहेंगे, हाँ दबाव है सुप्रीम कोर्ट पे, अब इसको क्या कहेंगे, ये तो लोग फैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आचरण भी पे लोगों की निगाहें हैं, खाली नेताओं के आचरण पे निगाहें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक एक जज पे, और सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल पे, हाई कोर्ट के जजों पे, हाई कोर्ट ओवरऑल पे नज़र है देश की, और होनी चाहिए, और चर्चा होनी चाहिए, और लोगों को ये कम से कम ये ना दिखाई दे, जिन लोगों को पहले जनता और वकील बिरादरी पहले कही ये नहीं होगी जमानत, या देखना कुछ भी होता रहे, और वो हो जाए तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पे, कम से कम जो वकील और लोगों को, और मुझे एज एन एडवोकेट मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये बात। डीवाई चंद्रचूड़ जब आए थे, जब मुख्य न्यायाधीश बने, तो लोगों का भरोसा जगा था इस सुप्रीम कोर्ट पर, तो आज कैसे भरोसा टूट रहा है? अरे सुप्रीम कोर्ट कोई एक अकेली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज लोग काम करते हैं, और बहुत सारे जजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की छवि अच्छी होती है और धूमिल होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज देश के वकीलों के सामने, देश अब क्या देखता है, देश के सामने सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा अब बेंचेज दिखाई देने लगे लोगों को, जो कि नहीं दिखाई देना चाहिए, किस बेंच में मैटर लगा, किस बेंच में मैटर नहीं लगा, कहाँ जमानत हो सकती है, कहाँ जमानत नहीं हो सकती, कहाँ पे अपोजिशन के लोगों को न्याय मिलेगा, कहाँ पे सरकारी लोगों के साथ इमीडिएट न्याय हो जाएगा, ये सारे के सारे शंका के घेरे में आना, इससे हमारी संवैधानिक संस्थाएं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हमारे इलेक्शन कमीशन, अगर ये सारे के सारे ऐसे दिखाई देने लग जाएं कि ये सारे के सारे फॉल इन लाइन हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं जो सरकार चाहती है, अरे ये दिस इज, ये संस्थाएं सरकार के इशारे पे चलने के लिए नहीं बनाई हुई हैं, ये संस्थाएं लोगों को न्याय करने के लिए, और ऑटोनोमस बॉडी हैं, एक तरह से स्वतंत्र हैं ये संस्थाएं, ये देश के संविधान को बचा के रखने के लिए और देश के प्रियम्बल के हिसाब से काम करने के लिए बनी हैं, जबकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ये बिल्कुल बहुत नुकसान है ये देश का। संवैधानिक संस्थाएं अगर इंडिपेंडेंट ना दिखाई दें, और जहां पे भेदभाव कहीं भी दिखाई दे लोगों को, और लोग महसूस करें, तो आप उसको नकार नहीं सकते, और देश के लोगों को महसूस करने से आप रोक नहीं सकते, क्यों, आफ्टर ऑल मालिक देश के सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, देश की जनता इस देश की मालिक है, और देश के मालिकों के मेजोरिटी अगर आप महसूस करती है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं सही काम नहीं कर रही हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज आर हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, नॉट हाई कोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस फैसले से एज एन एडवोकेट मैं भी उन सब सारे वकीलों से सहमत हूँ, उन सभी साथियों से सहमत हूँ, जिन सब का लगभग यूनैनिमसली ये मानना था ये केस जमानत का केस था, इसमें जमानत होनी चाहिए थी, और ये जमानत नहीं हुई तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बू आती है, वकीलों का ये कहना है।
पूरी बार में चर्चा इस बात की। तो ईडी सीबीआई की जीत बता रहे हैं लोग। ईडी सीबीआई की क्या जीत है? ईडी सीबीआई का क्या जीत होती है? जीत नहीं यहाँ किसी की होती। यहाँ तो किसी ने अगर गलत काम किया है उस आदमी को हमने न्याय के कटघरे में खड़ा करना, इतना काम है ईडी का। इनका किसी आदमी को जेल में लगातार बनाए रखना ट्रायल होने से पहले, ये ईडी की जीत फैलाने की जीत कुछ नहीं है, ये न्याय की हार है। ये देश में न्याय की व्यवस्था को दिखाता है कि न्यायिक व्यवस्था हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह नहीं दिखाई दे रही। न्यायिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लोग जैसा चर्चा करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे स्टेट वेलफेयर स्टेट ना होकर कोई पुलिस स्टेट है और पुलिस स्टेट की कोर्टें हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें वकील लोग हम कब तक इज्जत बचाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्टों की वकील कब तक बचाएंगे? ये इज्जत बचाने का काम तो न्यायाधीशों का है, ये तो संस्था का काम है और वकीलों का काम है कि संस्था को आगाह कराएं और बोलें। अगर वकील लोग नहीं बोलेंगे संस्थाएं नहीं सुधर सकती या संस्थाएं अच्छा काम नहीं कर सकती। और इसलिए देश के लोग तो इंतजार करते हैं कि भाई अगर जुडिशरी में गड़बड़ है तो वकील लोगों को सामने आना पड़ेगा, देश के सामने, ऐसा देश के लोग सोचते हैं। हमारी बार एसोसिएशनों को सामने आना ही पड़ेगा और वकीलों को भी आगे आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है हमारी, हम सब की अपनी संस्था है। इस संस्था में कोई भी ऐसा कोई भेदभावपूर्ण रवैया यहाँ दिखाई देता है या लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, अनुभव करता है देश, तो बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर जो ह्यूमन राइट के और बहुत लीडिंग जज और बड़े अच्छे न्यायविद माने जाते हैं जिनको दूसरे देशों की कोर्टें भी कोर्ट करती हैं, वो स्पेशल इस बात को बोलते थे हमेशा अपने जजमेंट में कोर्ट करते थे, बेल इज लॉ जेल इज एक्सेप्शन। और उस चीज़ को ज्यूरिसप्रूडेंस को बिल्कुल नकारा गया है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में, ऐसा बिल्कुल सही प्रतीत नहीं होता बिल्कुल भी। और ये न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली क्लियर कट बात है ये। और मैं तो ये कहूँगा एज एन एडवोकेट जो अंदर लोग वकील लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे फैसले हमारी जुडिशरी के लिए एक तरह से ब्लॉट हैं, कलंक हैं। और ऐसे दिन कानूनी तौर पे बेल के मामले में देश के लोगों की लिबर्टी की सुरक्षा के मामले में ये काला दिवस और काला धब्बा है। मैं था उस प्रोग्राम में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा था ये कि गरीब लोग बिना मतलब के जेलों में हैं और आपका ध्यान क्यों नहीं जाता। तो उस वक्त भावुक हो गए थे, मैंने देखा था जज भी लोग भावुक थे, ऑडिटोरियम में सन्नाटा छाया हुआ था। और उस दिन लगा था कि रियल को राष्ट्रपति बोल रहे इस देश की, उन्होंने जो दिल की बात की थी। अब तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति को भी खुल के बोलने का मौका मिल रहा है देश के अंदर। मैं ये बात, यस, राष्ट्रपति इतने समझदार हैं और इतनी बेबाकी से उन्होंने बात की। मुझे आज से पहले ऐसा राष्ट्रपति मेरे अपने जीवन काल में जिनको मैं सुन पाया, मैंने ऐसा बिल्कुल दिल से बोलने वाला राष्ट्रपति नहीं देखा। वो दिल से बोलती हैं, शायद उनकी इस बात से भी ये सरकार घबराती है और कहीं ना कहीं अंकुश होता है। और लिखे हुए भाषण होते हैं राष्ट्रपति के, और मैं तो ये लगता हूँ बहुत बार राष्ट्रपतियों पर अंकुश रहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिसों का। वो देखते हैं ये क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, मगर फिर भी उसने बिना उसके लिखे हुए के अपनी बात रखी। ये बड़ी बहादुरी का काम किया, हाँ, आई सैल्यूट है हर। और बहुत अच्छा लगा था लोगों को। ओरल कमेंट्स में बार बार इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इतने दिन कैसे जेल में रखेंगे। और जो ही अब फैसला आया तो एकदम यू टर्न हुआ उसमें, एकदम बिल्कुल। मगर ज़्यादातर वकीलों का ये कहना था कि हम सब समझ रहे थे इस बात को ऐसा ही होगा, मगर जब सबसे ये बात की कि दिल की क्या बात है सब सदस्यों की, तो मेजोरिटी क्या लगभग सभी वकीलों ने कहा ये जमानत का मामला बनता था, जमानत ना देके ये काम गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सवाल खड़े होंगे, हमारी संस्था नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट, हम सब की संस्था नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट, संविधान को बचाने के जिम्मेवार नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट, लोगों के फंडामेंटल बचाने के जिम्मेवार नहीं क्या। कल ट्रायल कोर्ट इस आदमी को मान लो जमा रद्द कर दे कि सब झूठा है, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? ये दिन लौटा देगी क्या उस आदमी को, मनीष सिसोदिया को? सुप्रीम कोर्ट उनकी पत्नी के साथ न्याय कर देगी क्या जो बीमार है, लाचार हालत में है और वो अपने पति के साथ नहीं है, बेटा उनका बाहर पड़ता है, तो एक बीमार आदमी है और उसको जमानत नहीं दी जा रही या उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, या पॉलिटिकल उसके लिए, क्योंकि ये जो पार्टी है जिस पार्टी के ये उप मुख्यमंत्री थे या MLA हैं, ये पार्टी एक तरह से विरोध में है, आज की जो सत्ता में पार्टियाँ हैं उनके विरोध में हैं। जितने लोग विरोध में हैं कहीं देख लो, सारा का सारा कोर्ट को तो चाहिए ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए ये, ईडी और इनको सबको फटकार लगा के बताओ कितने लोगों का आपके पास इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट है, किन किन लोगों पे आपको शक है? क्या अपोजिशन के लोगों पे शक आपको? क्या वही गैदरिंग करने के लिए आप किसी की प्राइवेट फर्म है क्या? आप किसी के इशारे पे काम करते हैं क्या? आपको तो वो काम करना है जो पूरे देश के हित में है और सबको बराबरी की नज़र से देखना है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी। ये किसी के कहने से जो काम हो रहा ये एक तरह से हमारे डेमोक्रेटिक स्टेप सेटअप के लिए बहुत खतरनाक है। इससे देश ये नहीं लगता कि लोकतंत्र है, इससे ये लगता है ये देश अभी भी नाम लोकतंत्र है मगर ये पुलिस स्टेट है या तानाशाही है। पुलिस स्टेट क्या होता है? पुलिस स्टेट वो होता है जिसको मर्जी पकड़ो, जिसको मर्जी छोड़ दो, जिसके मर्जी FIR दर्ज करो, जिसके मर्जी ना करो,
और जिसको मर्जी लगातार जेल में रखो, जिसको मर्जी पूरे शासन को लगा के एक ही आदमी या दो आदमी या दस आदमी के पीछे लगा दो, ये जेल में से छूटने नहीं चाहिए, जज भी इनको जमानत ना दें, एप्लीकेशन लगाते रहो, कोर्टों को गुमराह करते रहो, इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत गलत है और बहुत अच्छा नहीं हुआ। कम से कम इससे बात मैंने सिसोदिया की नहीं है, इससे बात ये है कि आम केसेज के अंदर भी जो लोग पड़े हैं, ये तो आम बात चाल, ये बात तो जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने भी कही कि गरीब लोग जो जुगाड़ी लोग नहीं है बेचारे, जो हैंड टू माउथ है, जो मेहनत करके खाते हैं, उनके लिए तो न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर है, उनके लिए न्यायिक व्यवस्था सामने नहीं आ रही है, उन लोगों के अधिकारों का, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, हनन हो रहा है नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, हाई कोर्टों की नाक के नीचे। भाई क्या करना है इनका, इन कोर्टों का ये मकसद क्या है? इन कोर्टों का सिर्फ एक ही मकसद है, देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो और उनके साथ अन्याय ना हो और सरकार की तानाशाही ना हो। सरकार ज़्यादातर तानाशाही पे उतर आती हैं, इनको तो बल्कि सरकारों से बचाना है लोगों को, देश के लोगों से, लोगों को ये काम है कोर्टों का। कोर्टों का काम ये नहीं है कि वो खुद ही सरकार की तरफ से दलील पेश करना शुरू कर दें या वो एक तरह से सरकारी वकील नजर आएँ, ये कोर्टों का काम नहीं है, ये बहुत गलत है। और इस तरह के कई कलंक सुप्रीम कोर्ट पे लग चुके हैं। कहाँ लग चुके हैं कलंक? इस देश के चीफ जस्टिस गगोई का मेंबर पार्लियामेंट बनना, इस देश के दूसरे उसी दीपक मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, और क्या नाम है एक एनसीएलटी के चेयरमैन बनाए हैं, सब लोगों को, उन लोगों को जो लगातार जिनका लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया रहा है आम जनता के प्रति या सरकार के पक्ष में जो रहे हैं, इसीलिए तो बहुत सारे लोग अब मीडिया को तो गोदी मीडिया कहने लगे। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के भी कुछ लोगों को, कुछ जजों को गोदी जजेज कहना शुरू कर दिया है। इसलिए ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। आम आदमी को और हमारे जैसे आम वकील को तो ये चिंता है कि जो चीज़ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, न्याय बढ़ाने के लिए खड़ी हैं या थी संस्थाएँ, वो इस तरह से अगर कमज़ोर होंगी तो क्या करेंगे, शिकायत किसके खिलाफ कहाँ ले जाएंगे? स्टेट जब तानाशाही कोई भी करे या स्टेट का कोई भी विंग दुर्व्यवहार करे जनता के साथ, मालिकों के साथ, तो जहाँ जो दरवाज़ा है, अगर वो दरवाज़ा भी ना खुले समय पे, या दो दरवाज़ा खुले मगर वहाँ पर कोई भेदभाव रवैया हो और ऐसा लगे उन लोगों को कि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही, या इस तरह से सामने वाले बात कर रहे हैं कि जैसे कोर्टें सिर्फ सरकार के लिए बनी हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो और हाई कोर्टों की तो ड्यूटी बनती है अपने आप ही कि उनको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती। अगर ये अपनी पावर का यूज़ करें, सदुपयोग करें, अगर ये सुओ मोटो एक्शन लेना शुरू करें अखबारों की कटिंग पढ़ के या इस तरह के और बड़े जो पंगे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के जो काम हो रहे हैं, इमीडिएट अगर सुओ मोटो एक्शन लेकर उन लोगों को हाजिर होने के लिए बुलाई लें, इतना बहुत काफ़ी हो जाएगा इस देश के लिए। मगर कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों के जज सामने नहीं आ रहे हैं, और ये तो आरोप लगाया था ओपन मीडिया के सामने किन्होंने, प्रशांत भूषण एडवोकेट ने, जिनकी बात बहुत सुनता है देश, कि भाई वो जो बात करें तथ्यों पे आधारित कर रहे हैं और वो देश के हितों में बात कर रहे हैं या वो बात करेंगे जिसमें दम है। उन्होंने क्या कहा था कि जजमेंट खरीदी गई, उन्होंने क्या कहा था सबके डोजियर, सारे जजेस के डोजियर सरकार अपने पास रखे हुए हैं और उनको ब्लैकमेल कर रही है और वो दबाव में आके वो फैसले देते जो सरकार चाहती है। इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी भाई? ये अरे भाई कोर्ट के खिलाफ ही तो, सरकार के खिलाफ ही तो कोर्ट खड़ी गई। अगर सरकार सही काम करती तो देश में न्यायालयों की स्थापना की जरूरत ही कहाँ थी? क्यों बनाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम की जरूरत क्या थी? अगर सरकारों पर यह विश्वास होता ये सही काम करेंगे। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बिल्कुल सही कहा था और अभी अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही बात कही है, अगर अच्छे लोग नहीं हुए तो बहुत अच्छे संविधान का भी बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग, उसका मिसयूज कर लेंगे ये लोग, और अगर लोग अच्छे हुए तो जहाँ कमियाँ होंगी संविधान में उसको भी पूरा कर लेंगे बड़ी समझदारी से। यही बात चंद्रचूड़ जी ने भी अब रिपीट की है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रचूड़ जी आपने बहुत अच्छी बात की, हम सहमत हैं, आप पे बहुत विश्वास है, आप हेड ऑफ़ दी फैमिली हैं, आप कृपया करके डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्टों की बचाने में अहम रोल अदा करिए। क्रिमिनल केसेस खासतौर पर जहां लोगों के फंडामेंटल राइट से जुड़ी बातें होती हैं, वो कम से कम उन बेंचेस के सामने लगाइए जिनका इतिहास हाई कोर्ट में ह्यूमन राइट को बचाने में हुआ हो, जिनके फैसले ह्यूमन राइट पे और लोगों की बेल और क्रिमिनल मैटर में पॉजिटिव ज्यूरिसप्रूडेंस पे चलने वाले या अच्छा ज्यूरिसप्रूडेंस एज पर द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल टू अपहोल्डिंग दोज राइट्स, जिनका ऐसा व्यवहार रहा हो, जिनका ऐसा तजुर्बा रहा हो, जिनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, जिनका ऐसा बैकग्राउंड रहा हो, और जो ईमानदार है, तटस्थ हैं, जो किसी लोभ लालच में नहीं है, तो उन जजों के सामने ही बेल मैटर लगाने चाहिए चंद्रचूड़ जी को। दूसरे ऐसे बेंच को देने नहीं चाहिए जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्रिमिनल मैटर को सुनने का,
और जिसका बेल मैटर सुनने का कोई तजुर्बा नहीं, ना अपनी प्रैक्टिस में जिन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की और ना अपने जीवन काल में इस तरह के मैटर ज़्यादा सुने, उनका तजुर्बा ही नहीं। तो फंडामेंटल राइट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए। ऐसे बेंचों से देश और समाज को और देश की जनता को बचाएं चंद्रचूड़ जी। अपना जब वकील थे, जब वो प्रैक्टिस करी और ना जब वो जज से उस तरह के मैटर सुने, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आके अगर बेल मैटर सुनने लग जाएं और वो क्रिमिनल मैटर सुनने लग जाएं, उनको उसका पता ही नहीं, तजुर्बा ही नहीं, तो क्या फैसले देंगे वो? तो वो फैसले कई बार बहुत खतरनाक साबित होते हैं देश के लोगों के लिए, लोगों के महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे बेंचेज को इन तरह के मैटर से दूर रखना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से वकीलों की। धन्यवाद।